हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रितु की दुनिया हर हर महादेव। आज मैं लाई हूँ केक की रेसिपी। ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार होगा, जो कि हम कुकर में बनाएंगे, ना कि हम ओवन में। चलो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने एक बर्तन ले लिया है, यानी एक कटोरा, जिसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ को हम इसमें अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसे हम आटे से, मैदा से नहीं, आटे से, मैदा से भी कर सकते हैं, बट मैं आटे से इसकी कोटिंग करूँगी। इसमें हम हल्का सा आटा डालेंगे और फिर उसको अच्छे से इस पर कोट हो जाएगा, हम आटे को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको कोट कर लें, यानी जो भी हमारा एक्स्ट्रा आटा है वो बाहर आ जाए। देखिए, ऐसे हम सारे आटे को मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसे हम साइड रख देंगे। हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड नहीं है तो हम एक प्लेट भी रख सकते हैं, या कोई भी नीचे कटोरी रख सकते हैं स्टैंड की जगह। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, इसकी हम सीटी निकाल लेंगे, हमें सीटी लगा के नहीं रखना, हम ऐसे ही। तो जब तक फ्री हीट होगा तब तक हम एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने प्रीमिक्स लिया है, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बेकरी वाली दुकान पर या वैसे भी दुकान पर मिल जाएगा। इसमें हमें ना ही हम इसमें चीनी मिलाएंगे एंड ना ही इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ मिक्स होके आता है अपने आप ही। तो हम इसमें एक बाउल में 2 चम्मच मैंने प्रीमिक्स पाउडर ले लिया है, और ये एगलेस केक बनेगा इससे, क्योंकि जो प्रीमिक्स है वो एगलेस है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे। और हाँ, इसे हम एक ही साइड से अच्छे से यानी फेंट लेंगे, हमें इसे कभी इधर से कभी उधर से ऐसे नहीं करना, हम एक ही साइड से इसको अच्छे से फेंटना है। इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं छोड़ने, कोई भी गांठें ना रहे, बस इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखा है। इन्हीं बातों से हमारा जो केक है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। और हाँ गाइज, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रेसिपी में क्या अच्छा लगा। ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। हमें इतना पतला रखना है इसको, हमें ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है ना ही इसको ज़्यादा पतला। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल मिला लेंगे। ऑयल मिला के इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जो केक आज का बन के तैयार होगा बहुत स्पंज और बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार होगा, एकदम रुई की तरह। आप इसको चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं, इसी में आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे हमारा जो केक है वो चॉकलेट केक बन के तैयार हो जाएगा। चलो, ये हमारा बैटर अच्छे से बन के तैयार हो गया, तो इसे हम साइड रख देते हैं। मैंने ये वो बर्तन ले लिया है जिसमें हमने ऑयल और आटा लगाया था। अब इस बैटर को सारे को इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, इसे हम 2 से 3 बार ऐसे टैप कर देंगे, यानी इसमें जो कोई बबल्स हैं वो ना रहे, जो बबल्स बने होते हैं ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमने 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रीट होने के लिए रख दिया था, वो कुकर देखिए कितने अच्छे से फ्रीट हो गए हैं। तब इसमें हम उस बर्तन को रख देंगे ऐसे, बहुत ही सावधानी से रखें, हाथ ना जल जाए किसी सिंडासी वगैरह या उस किसी कपड़े से। ऐसे हम ऐसे कुकर के ढक्कन से इसे कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। और इसे हम सीटी नहीं लगाएंगे इस पर, हम इसे ऐसे ऐसे छोड़ दिया है मैंने। चलो गाइज, 15 मिनट हो गई है, तो इसे चेक कर लेते हैं। वैसे 15 मिनट में 3 मिनट की कमी थी, तो मैंने फिर भी चेक कर ली। देखिए, हमारा जो केक है कितना अच्छे से एकदम से ऊपर फूल के आ गया है, और कितना अच्छे से बन
के तैयार हो गए। जैसे हमें टूथ पिक होती है उससे हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए वैसे तो अच्छे से बन के तैयार हो पर अभी भी हल्का सा जो हमारे टूथ पिक है उस पर चिपक रहा है, तो यानी से हम 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि हमारा केक कैसे बन के तैयार हुआ है। ये देखें कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और वो वैसे भी अच्छे से पक के तैयार हो गया, तो हमें अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता लग रहा है कि अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और गाइस ये अभी गर्म है, आप जब भी इसे निकालें तो ठंडा करके निकालें क्योंकि ये बन के इतना अच्छा तैयार हुआ, इतना स्पंज केक बना कि मैंने इसको गर्म ही निकाल लिया और गर्म ही कट कर लिया। ये देखो आपको लग भी रहा होगा धुएँ आ रहे हैं इसमें से, ये देखें कितना अच्छे से पक के तैयार हुए, नीचे से जला भी नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ एकदम स्पंज केक मार्केट में मिलने वाला। ये देखिए हम इसको जितना भी प्रेस करेंगे तो वो अपने आप ही ऊपर उठ के आएगा, एकदम जालीदार हमारा केक बन के तैयार हुआ है। चलो आइए इसे अब बिना देरी करते हुए नाइफ से कट कर लेते हैं क्योंकि तो जो केक है अब की बार जो केक बना है वो बहुत ही अच्छा बना, तो मेरे से ना इसको ठंडा होने के लिए वेट किया ही नहीं गया। ये देखिए आपको दिखा होगा नाइफ को भी नहीं चिपका, ये देखिए अच्छे से अंदर तक पक के तैयार हो गए हैं। जितना इसको प्रेस करेंगे ये अपने आप ही उठ के ऊपर आता रहेगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।